नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आजकल चर्चा में है एक फिल्म। फिल्म का नाम क्या है? द केरला स्टोरी। चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है कि जो वामपंथी ये चाहते थे कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर से बैन हटाया जाए, वो अब कह रहे हैं कि जो फिल्म बनी है जिसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है उस फिल्म को बैन किया जाए। इसे कहते हैं दोगली बात। लेकिन सवाल यह है कि फिल्म पर आरोप क्यों लग रहे हैं? सवाल यह भी है कि फिल्म आखिरकार विवाद में क्यों आ गई? सवाल यह है कि इसकी तुलना कश्मीर फाइल से क्यों की जा रही है? और सवाल यह भी क्यों है कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को, राइट विंग के एजेंडे को आगे बढ़ाती है और मुस्लिम विरोधी है? तमाम सवालों पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इसी फिल्म से जुड़े सभी लोग। मेरे साथ विपुल भाई शाह है जो कि इस फिल्म को उन्होंने बनाया है। आपको बधाई जो आपने इतना करेज दिखाया, साहस दिखाया कि एक ऐसे सब्जेक्ट को पिक किया जिस पे शायद आज आम निर्माता शायद बचता इस तरह के सब्जेक्ट से। हम देखते नॉन कंट्रोवर्शियल मूवीज बनाई जाए ऐसा लोग चाहते हैं, सेक्युलर मूवीज बनाई जाए ऐसे भी लोग चाहते हैं। अदा मेरे साथ है, अदा से मैं बात करूंगा क्योंकि उन्होंने उस कैरेक्टर को जिया है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। करना बहुत मुश्किल होता है अदा, मैं समझ सकता हूं कि आप किन बातों से गुजरी होगी। और दादा सुदीप्त सेन मेरे साथ हैं जिन्होंने इस पूरी फिल्म को डायरेक्ट किया है और साथ ही साथ इसके ऊपर एक सबसे बड़ी रिसर्च की है। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा दादा, मुझे बताइए ये फिल्म आम चुनाव से ठीक पहले आ रही है, क्या इसके पीछे क्या है? कर्नाटक चुनाव या और कोई चुनाव या और जोड़ा जा रहा है? क्योंकि जो आप पर आरोप लग रहे हैं उससे जोड़ के ही लग रहे हैं कि आप राइट ये सवाल आप प्रोड्यूसर को करेंगे क्योंकि रिलीज करना प्रोड्यूसर का काम है। आप विपुल भाई आप बता दीजिए। ये बड़ी हास्यास्पद बात है क्योंकि सुदीप तो दादा तो इस सब्जेक्ट पे 7 साल से रिसर्च कर रहे हैं, 3 साल से मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा हूँ। तो आप सोचिए कि 3 साल पहले मुझे पता था कि जब मैं रिलीज करूंगा उस वक्त कर्नाटका का इलेक्शन चल रहा होगा और वह उसी टाइम पे हम लेके आएंगे। ऐसा कोई लॉजिक जोड़ना चाहे तो ये तो बड़ी बेतुकी बात है। और अगर इतना ही इलेक्शन का पर्पस होता तो अगले साल लोकसभा का इलेक्शन है, हम तब ले आते। तब तो माहौल बनाएगी ना, लोग तो कह रहे हैं कर्नाटक में स्थापित करेगी, लोकसभा के लिए माहौल बनाएगी। एक साल तक एक फिल्म माहौल बनाएगी ये एक बहुत लंबी सोच है, ऐसा होता नहीं है। लोग आगे बढ़ते हैं, फिल्मों को देखते हैं, कुछ उसकी मेमोरीज लोगों के दिलों में रह जाती है, 10 दिन 15 दिन में अगली कोई फिल्म आ जाती लेकिन है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसे हिट करके जाती है, क्यों अदा आप जल्दी भुला नहीं सकते? कुछ फिल्में ऐसे हिट करके जाती हैं आप? आई होप हमारी फिल्म लोग भुला नहीं पाए और कुछ लड़कियों की लाइफ हम लोग चेंज कर पाए, अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। एंड आई होप कुछ लड़कियाँ देख के इंस्पायर हो जाए। इट्स अ वेरी वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट, तो आई होप कुछ लोग पर इस एम्पावरमेंट का ये भी एक पहलू है। देखिए ना, हम बात तो करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, लेकिन कुछ बेटियों के साथ केरल में क्या हो रहा है ये भी एक दर्द है। Exactly, तो हमारी फिल्म आई थिंक उनको एक्सपोज करेगी जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट में है, जो लड़कियों को ड्रग कर रहे हैं, उनको धमकियाँ दे के प्यार में फंसा रहे हैं। सो आई होप हमारी फिल्म ये कर पाए, कुछ चेंजेस ला पाए। भरोसा दिलाती है फिल्म की जो 3 कहानियां आपने कही हैं, 3 अलग अलग लड़कियों की, वो सही है? और क्या महसूस किया आपने उस पूरे दौरान जब आप इन कहानियों को स्टडी कर रही थी? हाँ बिल्कुल सही है। एंड पर एज एन एक्टर मैं अपना जो भी मैं कहूँ कि मुझे ये चैलेंजेस हुई ये चैलेंजेस हुई वो कुछ नहीं है, इट्स नथिंग कम्पेयर टू जो एक्चुअल विक्टिम्स ने जिया है। आई हैव ट्राइड जितना हो सके टू कन्विंसिंगली पोर्ट्रे ये कैरेक्टर को, पर हम लोग जब भी विक्टिम से मिलते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, जो वो लोग गुजरते हैं इन सब चीज़ों से, आई कांट कंपेयर माई थिंग्स एट ऑल टू दैट। कुछ शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? नहीं, आई फील फिल्म रिलीज हो रही है और हम लोग ने सब कुछ डाला है उसमें, जो इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस होता है, जो लड़कियों को कैसे फंसाते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और सब कुछ दिखाया है। तो आई फील कि आप फिल्म ही देख लो, बिकॉज जो भी मैं 5 सेंटेंस में कहूंगी वो जस्टिस नहीं कर पाएगा। दादा लव जिहाद एक ऐसा सब्जेक्ट जो भारत में है तो कई जगह है जो अलग अलग धर्म के लोग शादी बनाते हैं, हमारे तो उसके लिए औपचारिक तौर पर कानून भी है, लेकिन लव जिहाद जो शब्द आया उससे भारतीय सेक्युलर समाज को बड़ी नफरत है, वो कहता है कि ऐसा कुछ तो होता ही नहीं। ये फिल्म इसको स्थापित करती है कि हाँ ऐसा होता है? दीपक जी, इसके 2 पहलू है। नंबर 1, ये जो शब्द है लव जिहाद, ये आजकल ना थोड़ा पॉलिटिकल हो चुका है, इसके ऊपर ऐसे पॉलिटिक्स आप लोग ऐसे चर्चा किए हैं तो वो पॉलिटिक्स की दायरे में आ रहा है, तो मैं उस दायरे को थोड़ा अवॉइड करूंगा। मैं इसकी जो जर्म में जो लार्जर इशू है
उस लार्जर इशू के बारे में जो हमारी फिल्म है। क्या है कि प्यार करना कभी गुनाह नहीं होता है, प्यार करना दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, और उस प्यार में अगर ऐसा हो कि आप प्यार तो है लेकिन तुम्हें मजहब चेंज करके मेरे पास आना पड़ेगा, नहीं तो प्यार प्यार नहीं रहा, तो उसमें डाउट आता है, जिसकी नाम विपुल जी ने बड़े एक सुंदर टर्म कॉइन किए हैं, मैनिपुलेटिव कन्वर्शन। आपको प्यार में फंसा के, आपको शादी करा के अपने फैमिली से अलग कर देना, इसकी नाम अगर आप लव जिहाद बोलेंगे तो ये लव जिहाद है, इसके नाम आप अगर मैनिपुलेटिव कन्वर्शन बोलना है तो बोलेंगे, तो मुझे लगता है इट्स अ लार्जर इशू। ए बी इसके जो सेकेंड पार्ट है, ये जो लड़कियां की प्यार में फंसते हैं उसके बाद शादी कर लेते हैं और उसके बाद उस लड़की के साथ क्या होता है, आप लोग अब तक हमारी समाज उनको फॉलो अप नहीं किए हैं। हमने जब रिसर्च कर रहे थे ना, करीबन 500-600 लड़कियों से हमने मिले, कुछ पेरेंट्स से मिले, मुझे याद है कन्नूर की एक फादर ने, हमारे पास वो फुटेज है, कभी अगर आप देखना चाहेंगे तो दिखाएंगे, वो बोले थे कि मेरी उनकी दोनों बेटी कन्वर्टेड हो गए और दोनों बेटी कभी मंदिर में नहीं जाते थे, पूजा में नहीं बैठते थे, अचानक एक दिन हिजाब पहनना शुरू किया और उसके बाद जब कन्वर्ट हुई दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगे, फैमिली के साथ दूर हो गए और शादी के बाद पूरे फैमिली के साथ, कोई उसके फादर को मालूम नहीं उनकी दोनों बेटी कहाँ हैं। तो मेरा ये कहना है, ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है ना, जो हिंदू धर्म में रह के पूजा नहीं करते थे, एक बहुत ही लाइट हार्टेड जो हमारी रिचुअल होता है उसमें भी नहीं जाते थे, अचानक इस्लाम में कन्वर्ट हो जाता है और उसको 5 बार नमाज पढ़ने के लिए उसकी तलब आते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन है, इसके ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजिकल थियोरीज है। ये जो वल्नरेबिलिटी है ना, वो लड़की को अलग कर देना, समाज से अलग कर देना, उसके अंदर भय पैदा कर देना, उसको वल्नरेबल कर देना, और उसके बाद वो लड़की इतनी वोलेटाइल हो जाता है, उसको आप आइसिस में ले जाओ, उसको आप बोको हराम में ले जाओ, ये वल्नरेबल हो जाते हैं, तब उसको सही डिसीजन लेने की क्षमता कैपेसिटी चला जाता है। जो कैरेक्टर आदा ने प्ले की है फिल्म में, वो ऐसा ही एक कैरेक्टर, बड़ी प्यारी सी एक बच्ची जो इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस से गुजरती है, प्यार हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद विदेश शादी के बाद सीरिया चले जाते हैं, एंड ये रियल स्टोरी, क्योंकि वो लड़की अभी भी सीरिया अफगानिस्तान की जेल में है, अभी भी जेल के अंदर है। आदा पता आपको जानकारी थी, आपने कभी महसूस किया उस दर्द को कि अब क्या हालत होगी उसकी अफगानिस्तान की जेल में? हाँ, आई मीन पर जितना हम लोग महसूस कर सकते हैं एक स्क्रिप्ट पढ़ के सोच के, आई एम अ गर्ल ऑल्सो, तो मैं एक गर्ल की सेंसिटिविटी समझ सकती हूँ, पर जो मैं फिल्म के साथ मैंने किया इट वाज ऑलरेडी सो डिफिकल्ट, पर हम लोग लाइक एक्शन और कट के बीच में था, मैं वापस अपने घर जा सकती थी, मेरी मॉम थी वहाँ पे, मैं खाना खा सकती अपने फैमिली के साथ, मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर बीच में मैं थोड़ी लो फील करती थी आई टू कॉल अप अ फ्रेंड एंड टॉक टू, इतने सपोर्टिव डायरेक्टर प्रोड्यूसर कास्ट क्रू, इतने सपोर्टिव लोग थे, और कट के बाद सब लोग मुझे पूछते थे आर यू ओके, इज एवरीथिंग ओके, डू यू फील ओके, आर यू कंफर्टेबल ऑन द सेट, इफ एनीथिंग इज अनकंफर्टेबल टेल अस। मेरी जो पर्सनल टीम थी स्टाफ वो मुझे एकदम दिस टू सी दैट आई एम एवरीथिंग इज फाइन, यूर ओके, यूर ओके, एवरीवन यूज्ड टू आस्क मी, पर उन लड़कियों के पास कोई नहीं था, तो शी इज लिविंग देयर ऑल अलोन, तो जो भी उसके साथ मुश्किलें हो रही है। कभी शॉट देके आप रोई हो अकेले जाके? शॉट देके नहीं, आई थिंक जो भी सब था वो आज निकल गया। क्या होता है कि आदा बहुत इमोशनल लड़की है और वो जो चीज नहीं बताई, वो महीनों भर जब से वो फिल्म के लिए तैयारी करना शुरू की, शी ट्राइड टू गेट इनटू हर, शी इज फ्रॉम केरला, सो केरला की साइकी में जाना शुरू कर दी थी, मतलब शी वॉज बिहेविंग लाइक अ मलयाली गर्ल, यू नो, तब से लेके मुझे लगता है इसकी भी एक कैथर्सिस है ये इस तरह की करेक्टर करने के लिए। बट आई थिंक मैं रियल लाइफ में ऐसे हूँ कि अगर मैं बहुत इमोशन फील करती हूँ खुशी के या दुख के, मैं आई काइंड ऑफ हाइड इट, मैं कारपेट के अंदर डस्ट करती हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ अपने इमोशंस जो भी मैं फील करती हूँ रियल लाइफ में, पर इसलिए आई थिंक मैं एक्टर बनी हूँ, तो आई कैन वो एक जरिया है मुझे। पर एक सीरियस सवाल, जो लोग कह रहे थे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन नहीं होनी चाहिए, वो लोग अब आपकी फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं, उसी विचारधारा के लोग, क्या कहेंगे आप इस पर? और एससी में ने तो सुनने से इनकार कर दिया, केरला हाईकोर्ट में मामला अभी भी है, 5 तारीख को आएगा। मैं मानता हूं कि हर इंसान को खुद अपने अंदर झांक के सोचना चाहिए कि एक इशू पे हमारा स्टैंड क्या था और आज हमारा स्टैंड क्या है।
मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा वकील हूँ. मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान को अपनी क्रिएटिविटी को या अपने विचारों को खुले तरीके से रखने की आज़ादी होनी चाहिए. सिर्फ एक ही शर्त है कि वो झूठे ना हों और वो किसी को बिना वजह किसी को आहत ना करें. तो हमने वो कोशिश की है कि हमने बिल्कुल एक सच्ची फिल्म बनाई है, बहुत ईमानदारी से बनाई है. और हम ऐसा मानते हैं कि जब लोग ये फिल्म देखेंगे, ऑलरेडी बहुत सारे हमने शोज़ किए, लोगों को दिखाई है फिल्म, और लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है उससे हमें लग रहा है कि हमने बिल्कुल जो सोचा था, जो सही फिल्म का रास्ता चुना था, फिल्म उस रास्ते पे बहुत ही अच्छे तरीके से खरी उतरी है. मैं दूसरे लार्जर तथ्य पे आता हूँ आपके सामने. आपने कहा, मैं एक और सवाल सप्लीमेंट्री एक लाइन में जवाब चाहूंगा, ऐसे लोग जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का विरोध करते थे लेकिन आपकी फिल्म को बैन करने के लिए कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को आप दोगला या हिपोक्रेट मानते हैं? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप एक चीज पे एक स्टैंड है और उसी चीज की जब आपके आपको लगता है कि आपकी थिंकिंग के अगेंस्ट है तो आप पूरा यू टर्न लेके अगर आप आ जाते हैं कि अब इसको बैन कर दो, तो ये तो आप खुद तय करें. अपने साथ आईने में खड़े रह के अपने आप को ये सवाल उनको पूछना चाहिए कि हम बीबीसी के वक्त हमारा स्टैंड ये था तो आज हमारा स्टैंड ये क्यों है, ये सवाल वो अपने आप से पूछ लें. ठीक है, अब जो दूसरा लार्जर सवाल है जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और जो नैरेटिव विमर्श बनाने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि कहानी के नंबर्स ठीक नहीं है, कहानी सही तथ्यों पर आधारित नहीं है. सबसे ज्यादा मैं आऊंगा एक के बाद एक मुद्दे पर, आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो लड़कियां जिनके साथ ऐसा हुआ है वो न केवल आपने महसूस किया है, उनसे मिली है, बल्कि पर्दे पर जिया भी है उसको, आप क्या कहेंगे इस क्रिटिसिज्म पर? आई फील जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं एक मैथ्स क्लास बन चुका है और एक अरिथमेटिक स्टैटिस्टिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. एक नंबर पे इतनी लड़कियों का रेप हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट लड़कियाँ जो रेप हुई है, इम्प्रेगनेट हुई है, उनको भगा के लेके गए अपने घर से, बट हम लोग एक नंबर के जरिए पूरे टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं. आई थॉट जब भी टीजर और ट्रेलर आएगा तो लोग बात करेंगे अबाउट माई गॉड ये लड़कियाँ मिसिंग है, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई मीन ऑफकोर्स मोस्ट लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं, पर जो लोगों को प्रॉब्लम है दे आर सेइंग इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये लड़कियाँ मिसिंग हैं, उनका पेन उनका दर्द, वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा उनका पेन और दर्द हाँ साइड पे नंबर इतना है या नंबर इतना है, पर आई थिंक उनमें से कोई भी उनका अगर होता एक भी, उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी बेटी, तो आई डोंट थिंक वो ऐसे कहते हैं. नंबर के बारे में तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करते. ठीक है दादा, मैं आपसे समझना चाहूँगा, बात 32,000 का फिगर दिया है, ये कहा जा रहा है कि आपने जानबूझकर इसको एग्जैजरेट किया है. कुछ एक एग्जांपल्स तो हो सकते हैं, मैं कुछ रिपोर्ट भी पढ़ के आ रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस की और अमेरिकन जो इंटेलिजेंस की, इतने नंबर है ही नहीं. एक तो ये इससे ज्यादा है नंबर, एक्चुअली इससे ज्यादा नंबर है. ये नंबर हमने बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं की, ये नंबर बिल्कुल प्रूफ के साथ हमने प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड में ये फिल्म 2 महीना था, एक एक तथ्य चेक किया है. सेंसर बोर्ड को आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते. हाँ, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दिया है करने के लिए तो वो हर फिल्म के साथ करते हैं, वो कोई प्रोपागेंडा और ये फिल्म करके डिफरेंशिएट नहीं करते हैं. तो 32,000 के जो नंबर है वी स्टैंड बाई दैट, इसमें कोई दोराहा नहीं है कि ये नंबर 32,000 से ज़्यादा है. हमारी एक मैथमेटिक्स था, हमने 7 साल से मेहनत की है दीपक जी. इस वक्त ये जो मामला है वो कोर्ट में है और हमने कल तक इस पे बहुत खुल के जवाब दिया था, पर क्योंकि आज ये मैटर कोर्ट में चला गया है तो हमें बताया गया है कि अब इस पे आप बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सब जुडिस है. हम अपना पक्ष रखना चाहेंगे, जैसे ही कोर्ट का फैसला आ जाए हम वापस इस पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे, सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो फिल्म है इसमें जो एक फर्क लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ये है कि जब हमने टीज़र रिलीज किया था वो टीज़र जो था वो फिल्म की फुटेज से नहीं था, वो हमने एक स्पेशल शूट किया था टीज़र जो उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा था. एक लड़की जो बैठ के कैमरे में देख के बात कर रही है वो बता रही है कि ये सब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये सिर्फ उसकी अकेली की कहानी नहीं है, ये बहुत सारी लड़कियों की कहानी है. तो वो विषय का इंट्रोडक्शन था. फिल्म जो है वो 3 लड़कियों की ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी बिल्कुल सच्ची. शपथ लेके कह सकते हैं आप कि जो मैं कह रहा हूं कि ये 3 लड़कियों की सच्ची कहानी है, शपथ ले लीजिए बिल्कुल जी. मैं आप जो कह रहे हैं ना, मैं वो आपके वर्ड रिपीट कर रहा हूं कि मैं शपथ लेके कह रहा हूं कि ये 3 लड़कियों की कहानी जो है वो बिल्कुल सच्ची कहानी है. और हमारी फिल्म के एंड में
हमने एक लड़की के माँ बाप अपनी जुबानी बता रहे हैं इस फिल्म की और उस कहानी की सच्चाई को, एक खुद विक्टिम, तीन में से जो एक लड़की जो विक्टिम है वो कैमरे पे आके बोली है इस पिक्चर के बारे में। सो कोई झूठ बोलने की का सवाल ही नहीं। देखिए जब आप एक इतना बड़ा विषय लेते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी भी होती है कि आप अगर गलत फिल्म बनाएंगे तो आप उस विषय पे एक डिसक्रेडिटेड विषय का ठप्पा लग जाएगा और हमारी वजह से बहुत सारी लड़कियों का नुकसान होगा, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। तो हमने बहुत जिम्मेदारी से ये इस विषय को हैंडल किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आप पर आक्रमण कर रहे हैं कि उमन चांडी साहब ने फिगर दिया था 3200 लड़कियां गायब होती है 10 साल का, उसको जोड़ के 32,000 बना लिया। चूंकि विपुल भाई ने कहा कि फिगर्स पे बात नहीं करनी, लेकिन अदा मैं समझना चाहूंगा जब इन लड़की के परिवार वाले जो रियल थे आप उनसे मिले, आपने क्या महसूस किया? आई थिंक हम लोगों को इतना सपोर्ट जो मिल रहा है लोगों से इज ऑल्सो क्योंकि ये जो मैं मिली हूँ पर्सनली विक्टिम से, पर आई थिंक बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन पे भी है एंड लोग वो भी देख के लाइक स्क्रीनशॉट करके हम लोगों को भेज रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि ये सब है एंड लोग वो देख के हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बट हाँ आई थिंक जब आप मिलते हो तो यू रियलाइज उनका पेन एंड वॉट दे मस्ट हैव गॉन थ्रू एंड आई थिंक कुछ विक्टिम्स लाइक लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं ब्रेव होके इंटरव्यू दे रही हूँ और ये मैंने ये फिल्म की, पर जो रियल विक्टिम्स है वो आज कल से आई थिंक उन्होंने स्टार्ट किया इंटरव्यूज देना। 5 लड़कियाँ हैं जो मुझे लगता है बहुत ही ब्रेव है, केरला में रहती है और केरला में ही इंटरव्यूज दे रही है, इधर भी आ रही है इंटरव्यूज देने के लिए और अपनी कहानी बता रही है, रियल विक्टिम्स जो रियल लड़कियाँ हैं। उन लड़की को ये कहना है कि आप लोगों का काम था हमारी कहानी बताना, आपका काम खत्म हो गया, अब हमारी काम है। किसको सवाल है हम लोग जाके जवाब देंगे। तो 2 दिन से वो लोग सारे चैनलों में दिख रहे हैं। दीपक जी एक सबसे अच्छी बात क्या है कि इन लड़कियों के पास आवाज़ नहीं थी, इस फिल्म ने उनको वो आवाज़ तो दी है। कल जो एक विक्टिम की माँ है वो कल यहाँ पे दिल्ली में थी, उन्होंने इंटरव्यूज भी किए, दिल्ली में थी ये नहीं पता पर इंटरव्यू किया है, मैंने देखा भी वो इंटरव्यू, और आपको उनका पेन उनकी उनका दर्द देखना चाहिए, इन 5 लड़कियों की कहानी सुननी चाहिए। और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, आप देखेंगे इतनी सारी लड़कियां निकलेंगी कि जो लोग नंबर वंबर की बातें कर रहे हैं उनको शर्म आने वाली है कि हम ये क्या बात करके बैठे हैं। ठीक है, अब मैं ये समझना चाहता हूँ जो बड़ा आरोप लग रहा है कि इस फिल्म के अंदर राजनीतिक एजेंडा ज़्यादा है, या मैं आरोप क्यों लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपकी पूरी फिल्म कम्युनिस्टों पर हमला करती है और मैंने इंडियन फिल्म नैरेटिव में सुदीप को ज़्यादा समझते होंगे, अभी तो उसी नैरेटिव पे फिल्में हमारे यहाँ तो बनती रही है, पहली बार हुआ है कि उस नैरेटिव के खिलाफ एक फिल्म बन रही है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या ये कम्युनिस्टों के खिलाफ है? ये मेरा एब्सोल्युटली नहीं, ना कम्युनिस्टों के खिलाफ है, हाँ डायलॉग जरूर है फिल्म में लेकिन रिगार्डिंग कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन कम्युनिस्टों के खिलाफ नहीं, कोई मजहब के खिलाफ नहीं। दीपक जी ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जो ये बाहर चले गए, जो जाने की सिचुएशन पे है और जहाँ से वो लोग वापस आए हैं, इसके अलावा ना हमारे कोई दावा है ना हमारे कोई प्रोजेक्शन है, पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है, उनका काम वो करेंगे हमारा काम हम करेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ सरकार में है, डिनाई कर रही है, वो कह रही है तो गलत है, ये तो पिक्चर ही नहीं है, गॉड्स ओन कंट्री का। और आदा आप खुद केरला से आती है, बड़ी खूबसूरत जगह है, Absolutely. मैं कई बार गया हूँ और बड़े प्यारे लोग होते हैं जो वहाँ के लोग होते हैं, लेकिन ये कैसे घर कर रहा है या वहाँ पर, इसका कारण क्या? और मुझे बताइए जो लोग ये कह रहे हैं कि एक मजहब को निशाना बनाने के लिए सब किया जा रहा है। हम लोग टेररिज्म पे फिल्म बना रहे थे, दैट्स व्हाट आई थॉट थ्रू इट एंड हम लोग ने सिर्फ आई स्टिल स्टैंड बाय टेररिज्म के खिलाफ हम लोग ने फिल्म बनाई है। तो अगर आप फिल्म जब आप फिल्म देखोगे ऑल्सो यू विल सी कि टेररिज्म के बारे में हमने बुरी चीज़ें कही है, बिकॉज मैं टेररिज्म सपोर्ट नहीं करती हूँ और हमारे टीम में से कोई टेररिज्म सपोर्ट नहीं करता, पर हम लोग कोई मज़हब के खिलाफ हम लोग ने कुछ नहीं कहा है। और केरला बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, मैं केरला से हूँ, आई थिंक इट्स अ वेरी कल्चर्ड प्लेस, बहुत ही खूबसूरत है ऑल्सो, पर केरला में कुछ लोग हैं जो केरला का नाम ख़राब कर रहे हैं, तो आई होप कि हम लोग सब साथ आ जाए ताकि उन लोगों को हटा दिया जाए जो केरला का नाम ख़राब कर रहे हैं, ताकि केरला ख़राब ना हो, वो डिज़ीज़ के जैसे स्प्रेड ना हो जो वो लोग कर रहे हैं।
ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, वो केरला के बारे में तो कहा जाता है गॉड जोन कंट्री, भगवान का, भगवान की खुद की जगह, और वाकई वहां पर जाकर इस तरह का एहसास होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं दादा, क्योंकि डायरेक्टर के ऊपर विजन होता है, इसीलिए मैं ये बड़ा हार्ड हिटिंग और सीधा सवाल है कि क्या इस फिल्म में कम्युनिस्टों को पाखंडी कहा गया था जिसको हटवाया गया, और वी एस अच्युतानंदन साहब का एक इंटरव्यू, इसको सेंसर बोर्ड ने हटवा दिया? नहीं, पाखंडी नहीं कहा गया था। बेसिकली कुछ सेंसर बोर्ड ने हमें कुछ भी काटने के लिए नहीं बोला। ये एक और एक गलत फहमिया, गलत प्रोपेगेंडा चल रहा है जो पूरा चल रहा है ना, 10 कट कोई काट नहीं है। एक काट है जो वी एस अच्युतानंदन की जो वीडियो था, वो काटे ना काटे कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि वो वीडियो पब्लिक डोमेन में है। तो उन्होंने ये बोला कि आपने कोई प्राइवेट चैनल की डॉक्यूमेंट ये वीडियो लगाए तो उसको हटा दीजिए। तो लेकिन हमारे उसकी जो निचोड़ है, वो जो बोले थे, वो हमारी कैरेक्टर वो बात कर रहा है, सो उसको हटाने से हमारी मूल मुद्दा से कोई डिफरेंस नहीं हुई। और बाकी रहा जो सब्जेक्ट है, उसके लिए एक भी कट नहीं हुआ। कुछ हमने चेंजेस किए, कुछ चेंजेस इसलिए कि किसी की इमोशन की सवाल था, वो चेंजेस करने से हमारी नैरेटिव बिगड़ा नहीं था, तो हमने चेंज कर। हमें सेंसर बोर्ड ने ये कहा कि देखिए लीगली आप लोगों ने जो कहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम इसको, लेकिन अगर आप ये माने कि ये कुछ चीज़ें हैं जिससे शायद थोड़ा सेंसिटिव मामला हो जाए, तो क्या आप करना चाहेंगे? हमने कहा हम बिल्कुल, हम किसी की भावनाओं को दुखाने के लिए ये फिल्म नहीं बना रहे हैं। तो हमने भी उनकी बात को बहुत बहुत रिस्पेक्टफुली ऑनर किया और मॉडिफिकेशंस कुछ किए हैं। कट्स नहीं है एक्सेप्ट ये अच्युतानंदन जी का जो कटा है, जो हमने एक्सेप्ट कर लिया, एंड वी आर वेरी ओपन अबाउट। ठीक है, जो दूसरी बड़ी चीज़ है कि भाई एक नैरेटिव चल रहा है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, अब ब्रिटिश लोग कह रहे हैं, कई सारे अमेरिकन्स कह रहे हैं, दूसरे यूरोपियंस कह रहे हैं, जो एजेंडा एंटी इस्लाम है उसको लेकर एक मूवमेंट भी चल रहा है कि भाई पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैल गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या चुन चुन कर, ये जो आप कह रहे हैं कि किसी का सेंटिमेंट हर्ट ना हो जाए, तो चुन चुन कर ऐसे डायलॉग डाले गए हैं उसके अंदर, या वो जगह की ज़रूरत है? देखिए दो पहलू हैं इसके। एक ये है कि हमेशा से ये कहा गया है कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, तो जब आप एक कहानी टेररिज्म के ऊपर बना रहे हैं तो अब उसे मजहब से जोड़ा जा रहा है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो कुछ डायलॉग्स हैं जो उन परपेट्रेटर्स के हैं, जो जिन्होंने ये जो ये ट्रैप सेट करते हैं, ये सारे जो डायलॉग्स हैं ये हमें किसी ना किसी विक्टिम की टेस्टिमनी में उन लड़कियों ने खुद बोली हुई बातें हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो हमें लगा कि ये बात तो अगर इस लड़की के साथ हुई है तो इसे डायलॉग की तरह यूज़ करना चाहिए। सो जो हर बात, जो हर डायलॉग की बात है, वो किसी ना किसी लड़की के साथ हुआ है, इसीलिए वो इस फिल्म में है। दादा ये भी कहा जा रहा है, दादा ये सवाल आपसे फिर मैं दादा के पास जाऊंगा, कि एक एक्सेप्शन है, कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग एक्सेप्शन करते हैं, एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, उसको आपने एक ट्रेंड बता दिया, ये बता दिया कि भाई ऐसा तो हो ही रहा है, हालांकि दुनिया भर से इसकी शिकायतें मिलती रही। जी जैसे आपने कहा दुनिया भर से लोग कह रहे हैं, यूके यूएस से लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भी हो रहा है, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है हर जगह से लोग साथ आ जाए ताकि ये ईवल हम लोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारी फिल्म है टेररिज्म वर्सेस ह्यूमैनिटी। अभी चाहे वो टेररिज्म हो इंटरनेशनली या इंडियन टेररिज्म, हर तरह की टेररिज्म हम लोग उसके खिलाफ है। सो आई बी वेरी हैप्पी लोग हर जगह से आके टेररिज्म को हम लोग एंड कर दें। क्या आप इस क्रिटिसिज्म को मानते हैं कि एक अपवाद है, एक एक जो एक्सेप्शन है उसको आपने एक ट्रेंड बना दिया, क्या आप इस आरोप को मानते हैं? अगर होता तो हम केरला स्टोरी नहीं नाम देते। ये जो स्टोरी है ना, बेशक ये जो तीन लड़की की स्टोरी है ये केरला में है, और ये जो खतरनाक एक ट्रेंड हमें नजर में मिला, व्हिच इंस्टिगेटेड अस टू मेक द फिल्म, वो ट्रेंड और कहीं नहीं मिला। और हमने 7 साल इसलिए लगाए फिल्म की रिसर्च में, ये अगर एक्सेप्शन होता तो हम ये काम 7 साल तक खींचते नहीं। हमने उसके ट्रेंड को, पैटर्न को फॉलो किए, और वो पैटर्न को फॉलो करते करते जब हमने एक समय पे देखा एग्जैक्टली सेम पैटर्न यूरोप में फॉलो होता है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न में यूके से लड़कियां आती है, और वही पैटर्न इंडिया में काम कर रहे थे। वहां पे रिफ्यूजी का इशू था, हमारे इधर बढ़ता हुआ एक
कम्युनिटी जिनको प्रॉपरली टाइमली एजुकेशन की एजुकेशन नहीं मिले थे, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स में फंसा दिया गया था, तो उनमें से कुछ भटके हुए नौजवान जो आजकल ये यूज होता है ये शब्द, वो हमारी इसकी परपेट्रेटर बन जाते हैं। तो ये डेफिनेटली एक पैटर्न क्रिएट हुआ और वो पैटर्न को हमने फॉलो करके अब फिल्म की फर्स्ट शॉट से लास्ट शॉट उसी पैटर्न को देखेंगे, कैसे ये इंडॉक्ट्रिनेशन प्रोसेस को स्लोली स्लोली एक 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 अंजाम दिया जाता है और उसके बाद उस लड़कियों के साथ क्या होता है, जो चले जाते हैं उसके साथ क्या होता है, जो चले नहीं जाते उनके साथ क्या होता है। ना मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ, आपने इतनी बड़ी बात कही, आप मुझे बताइए लोग, ये तो मामला सब कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, जिस तरह से मैं चीज़ों को होता हुआ देख रहा हूँ विपुल भाई, आप चाहें आप जवाब दें, आप चाहें आप जवाब दें, आप चाहें आप दें, लोग आपसे पूछेंगे भाई आपने इतना रिसर्च किया 7 साल, तो क्या फुटेज है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इसको प्रूव किया जा सकता है, आपने कोई एहतियात बरती इस बारे में? सर दीपक जी, ऐसा है कि जब आप एक ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको जिम्मेदारी से बिहेव करना पड़ता है। अब जैसे अच्युतानंदन साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस वीडियो क्लिप की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई 20 साल में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, किसी ने जाके उनसे तो नहीं मांगे एविडेंस, है ना, वो तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थे और वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग भी करते थे। लेकिन जब हम फिल्म बना रहे थे तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम हर चीज़ का एविडेंस पहले जमा करें, फिर उसका सीन लिखें, क्योंकि हमसे ये सवाल होंगे ये हमें पता था। तो हमारे पास सारे वीडियोस भी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जो हमने फिल्म में दिखाया है उस हर चीज़ को हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कहाँ से हमारा सोर्स मटेरियल क्या है और सब कुछ, और यही सब हमने सेंसर बोर्ड में भी जमा किया है। एवरी एविडेंस इज विद द सेंसर बोर्ड, उन्होंने उसको स्क्रूटिनाइज किया, कुछ और चीज़ें मांगी, एडिशनल एविडेंसेस मांगे जो हमने दिए, उसके बाद उन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग की। इट टुक अस 2 मंथ्स। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐवें ही हवा में कुछ बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं है, कुछ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये पक्का काम है। दीपक जी, और एक काम किया था हमने, जब विपुल जी के साथ बातें चल रहा था हमारी, जब विपुल जी फिल्म में आए, तो ये जो आपने, आपको भी तज्जुब हुआ, इतना स्टैगरिंग नंबर 32,000, तो हमने एक आरटीआई डाला था केरल गवर्नमेंट के सामने, एक आरटीआई डाला था, उसमें 2 पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में था ये 32,000 की सच्चाई क्या है, वो टेक ऑफ पॉइंट था ओमन चंडी जी की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की फ्लोर पे, एक बोला दादा हम 32,000 वाला, अच्छा नहीं मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, हमारे पास केरल गवर्नमेंट से कोई जवाब नहीं आए, एक जवाब आए थे जो गलत था, ए बी हमने मांगा था एक एक पुलिस स्टेशन की आंकड़े, कितने लड़की गायब हुई है, कितने को वापस लेके आया गया, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट था, हम मैच करना चाहते थे, उसकी जवाब भी हमें नहीं मिला। तो ये अगर आप बोलेंगे कि हम सच्चाई को डिस्टॉर्ट किया है, हम सच्चाई को दिखाया नहीं, हम सच्चाई के पीछे भागे थे, मदद मांगे थे कि आप अप्रूव कर दो कि ये सच्चाई है, लेकिन किसी ने सरकार से ये किसी ने आए नहीं ये बोलने के लिए कि आप गलत हो। अब जब फिल्म रिलीज होने जा रहा है तब ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, अगर पहले ये डेटा उन्होंने आरटीआई के जवाब में दे देते शायद ये विवाद होता नहीं। ठीक है, ठीक बात। अब मैं आता हूँ असली मुद्दे पर, और असली मुद्दा क्या है, असली मुद्दा विपुल भाई आपको लेकर है, वो असली मुद्दा ये है कि भाई विपुल शाह ने जो फिल्म बनाई है वो एक संयोग है या फिर एक प्रयोग है। अब मैं इसको साबित करता हूँ, अगले साल जो है वो लोकसभा के इलेक्शन है, और आपको पता है जब पिछला इलेक्शन हुआ था 2 फिल्में आई थी, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और एक फिल्म आई थी मोदी जी पर बनी हुई, आप जानते हैं इसको। अब उसके बाद कश्मीर फाइल्स आई जिसने कई तरह के माहौल बनाए और एक चीज को सेट किया। अब विपुल भाई शाह ठीक है ना, गुजराती है ना, बिल्कुल। तो एक गुजराती जो है वो तीसरी बार के लिए रन कर रहा है, दूसरे गुजराती ने उन्हीं के नैरेटिव के हिसाब से मूवी बना दी, क्या कहेंगे आप? देखिए जो बहुत दादा हंस रही है, नैरेटिव ऐसा ही बनाया जाता है, बराबर है, एक बहुत आसान फिल्मी है ना, बिल्कुल फिल्मी है। देखिए क्या राजनीति से बड़ा फिल्मी चीज कोई नहीं होती, उसमें नारा भी होता है, नखरा भी होता है, नाटक भी होता है। देखिए दीपक भाई, बात क्या होती है ना, सबसे आसान होता है कि एक कड़वे सच को अगर डिसक्रेडिट करना है तो बोल दो कि ये फला पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है या ये फला टाइप का एजेंडा लेके पिक्चर बन रही है।
सबसे आसान है, ये वो लोग बोल रहे हैं कि जिन्होंने फिल्म देखी नहीं है, बिना फिल्म देखे आप तो, इलेक्शन तो हर 5 साल में आएंगे और हमारे हमारे देश में इस साल 9 इलेक्शन है, हर साल होते हैं हमारे यहाँ तो, हर इलेक्शन और त्योहार दोनों मनता ही रहना चाहिए, तो हर 3 महीने में कोई ना कोई स्टेट का 3-4 महीने में इलेक्शन आएगा, तो क्या करें इस विषय पे फिल्म ना बनाए क्योंकि उसे किसी ना किसी इलेक्शन के साथ जोड़ दिया जाएगा, तब तो हम उन लड़कियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। हमने जब ये, मुझे जब ये 3 साल पहले ये कहानी सुनाई दादा ने, मैंने कहा ये हमारा फर्ज है कि हमें ये कहानी बनानी चाहिए। अब आप जानते हैं कि जब आप एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ लोगों के सामने आता है तो जिसको वो अनकंफर्टेबल करता है वो आपको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करता है। हम उन सब से कह रहे हैं कि हमारी फिल्म जो है वो एक टेररिस्टों के खिलाफ है, और अगर आप भी उन टेररिस्टों के, क्या है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, नहीं ये तो कहने की बात है, हम बहुत क्लियर कह रहे हैं कि ये किसी भी मुस्लिम इंसान के अगेंस्ट नहीं है, ये टेररिस्टों के अगेंस्ट है, और अगर आप भी टेररिस्टों के अगेंस्ट हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, लेट्स जॉइन हैंड्स एंड इरेडिकेट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी मूवी कश्मीर फाइल से प्रेरित थी दादा, जब आपने सोचना शुरू किया ये क्या है कश्मीर फाइल से प्रेरित थी? इसका जवाब मैं एक दादा एक सेकंड में मैं देना जी, जी 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 इस विषय पे 7 साल से दादा काम कर रहे हैं और 4 साल पहले उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है इसी सब्जेक्ट पे जिसे लंदन में अवार्ड भी मिल चुका है, तब कश्मीर फाइल आई नहीं थी, ठीक है ना, अब आई है और हम बहुत बेहतरीन फिल्म है और अब हमारी फिल्म आई है, लोग इसे ऐसे जोड़ेंगे दैट्स फाइन, लेकिन हमारी दादा की जर्नी कश्मीर फाइल के बहुत पहले से शुरू होके एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में वो आ भी चुकी है, तो ये हमारी ओर से ऐसा नहीं मतलब है। ये राजनीतिक विमर्श वाले क्या बोलेंगे दादा, आपको पता है क्या बोलेंगे कि दादा पुराने पापी हैं, ये एक डॉक्यूमेंट्री तो बना ही चुके थे। सही बोला आपने, एक्चुअली क्या है, ऐसे फिल्म तो ऐसे फिल्मों में पैसा लगाना आप समझ सकते हैं चाहिए, मैं सॉरी विपुल भाई आपके लिए बोल रहा हूं, लेकिन ऐसी फिल्मों में लगाने के लिए जिगरा चाहिए, पापी शब्द बोले ना वो विपुल जी को बोलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इस फिल्म की कहानी सुन के इतना इमोशनल हो गए थे, उन्होंने उनकी जो मेन स्ट्रीम बॉम्बे सिनेमा की जो था उन्होंने बोला कि नहीं मुझे यही फिल्म बनाना है, उसके बाद जो एनर्जी था मुझे लगता है मेरे से ज्यादा एनर्जी विपुल जी के पास था ये फिल्म बनाने की। लोग तो ये बोलेंगे विपुल जी को तो बता दिया होगा किसी ने फोन करके या व्हाट्सएप कर दिया होगा कि इस टॉपिक पे बना लो, देखो सबसे बढ़िया ही है। अगर मेरा नंबर मोदी जी के पास है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, मैं तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट, बहुत लोग बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ किसी को थोड़ी फोन करेंगे, कोई कई कितने लोग बोल सकते हैं कि विपुल भाई बना दो, नहीं ऐसा कोई मैं किसी को जानता नहीं हूँ जो आके मुझे ऐसा बोल दे, और मैंने जिंदगी में ऐसा किसी के कहने पे कोई काम आज तक किया नहीं है, मैं बहुत अपनी सोच का आदमी हूँ और मैं बिल्कुल अपने देश के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे मेरे देश से मतलब है, मेरा देश फिल्में वो नैरेटिव कहती हैं विपुल भाई, और हॉलीडे हो मेरी, आप नमस्ते लंदन एक रोमांटिक फिल्म में भी मैंने एक पेट्रियोटिक मेरा, तो मैं देश के साथ बहुत मेरा बहुत कनेक्शन है और ये देश का एक बहुत अहम मुद्दा है, इसलिए मुझे लगा कि ये फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है, अब इसके बाद मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए किसी को कोई भी आरोप लगाना हो आई डोंट केयर रियली। अच्छा आप व्यक्तिगत सवाल पूछो, आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से राइट वाले हैं लेफ्ट वाले हैं या सेंटर वाले हैं? मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मैं जो इस देश का भला करेगा मैं उसके पीछे हूँ, और मैं खुल के बोल रहा हूँ कि मैं मोदी जी का बहुत सपोर्ट करता हूँ, मुझे लगता है कि उनके आने के बाद देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है और भी होना चाहिए, और मैं क्लियरली इसमें मुझे कोई एम्बिग्यूटी नहीं दादा, है। यही सवाल आपसे, आप राइट वाले हैं लेफ्ट वाले हैं सेंटर वाले हैं बिल्कुल न्यूट्रल है? मैं फिल्म वाले हूँ। ये बच्चा जवाब है, ये बहुत अच्छा जवाब, और दादा आप क्या कहेंगे? जुड़ रही हूँ मैं। जुड़ रही हैं आप, दो फिल्म वाले दो लोग बच गए, लेकिन फिल्म वालों को बचना भी चाहिए क्योंकि आपको बहुत नहीं बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर और दिक्कतों से सर, मैं आपको बताऊँ ये फिल्म वाले मैं मजाक में नहीं बोला, मतलब सुनने को लगा होगा, लेकिन फिल्म एक पॉलिटिक्स है, फिल्म एक धर्म है, क्योंकि हम लोगों ने ये जो सिनेमा दुनिया में बहुत सारे देशों में बदलाव लाए हैं, मतलब रशिया की रिवोल्यूशन में सिनेमा का कितना बड़ा रोल था आप जानते हैं, ये लैटिन अमेरिका की जितने लड़ाई हुई है एल साल्वाडोर से लेकर निकारागुआ से लेकर, सब सिनेमा इज द कोर ऑफ देयर मूवमेंट,
हमारे देश में नहीं हुई, हमारी ये थोड़ा सा दुर्भाग्य है, लेकिन आई श्योर अब शुरू हो गई है। फिल्म के बाद ये एक धर्म और एक पॉलिटिक्स के हिसाब से उभर के आएगा, और होना वो जिस देश में होता है ना उस देश के लिए बहुत भला होता है। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बातचीत की विपुल भाई। वैसे मैं कहना चाहता हूँ आपको, एक गाना है आपने मेरे ख्याल से, क्या नाम था उस फिल्म का, नंबर 100 करके ऐसा कुछ, जावेद जाफरी की मूवी थी, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया, याद है ना आपको। तो चलिए इसी तरह साहसिक फिल्म बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, तमाम लोग आए और हमसे बातचीत की। तो ये है पूरी कहानी उस फिल्म की, जिसको लेकर आने वाले समय में देश में काफी चर्चा होने वाली है, काफी बवाल मचने वाला है, राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप लगने वाले हैं, लेकिन दर्शकों को अंतिम निर्णय खुद का करना चाहिए, क्योंकि जनता ही, मैं हमेशा कहता हूँ, जनार्दन है, इसलिए फिल्म देखें और अपना फैसला करें क्या है। लेकिन यहाँ पर शपथ ले चुके हैं विपुल भाई कि नहीं, ये फिल्म में जो कुछ है वो 100% सत्य है। देखना है कितने लोग उनकी बात मानते हैं और कितने लोग उनकी बात के प्रतिरोध में खड़े होते हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना है, लेकिन जी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी।